यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदावत सलेह मातृभूमि। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई फोर्स के गठन का ऐलान आज किया है और उस फोर्स का नाम होगा UPSSF, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस। उत्तर प्रदेश के एडिशनल सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने इसकी घोषणा करी और कहा कि 1750 करोड़ रुपए, 1750 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली रुपए खर्च करके ये स्पेशल फोर्स बनाने की मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्लान को या उनके विचार को फलीभूत किया जा रहा है। सवाल ये आता है कि ऐसी फोर्स बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑलरेडी उत्तर प्रदेश पुलिस है, PAC है, और इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश पुलिस के पास होमगार्ड्स की बटालियंस रहती हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के पास PRD भी है। इतनी फोर्सेस होने के बावजूद एक अलग से नई फोर्स बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? मुझे लगता है इसका विचार इसलिए आया होगा क्योंकि जब CAA का प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, उस समय मुझे लगता है कि PAC, जिसका मेन रोल दंगों को समाप्त, हिंदू मुस्लिम दंगों को खासतौर से 1937 से लेकर आज तक अगर किसी ने सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल किया है यूपी में, तो वो PAC रही है। लेकिन इस बार PAC का वो रोल देखने में नहीं आया, या PAC ऐसा भी लोग कहते हैं कि PAC अपने उस रोल पर खरी नहीं उतर पाई। उसके कारण भी बताते हैं। प्रोविंशियल आर्म फोर्सेस या आर्म्स कॉन्स्टेबलरी 1937 में बनाई गई थी। उस समय ये जैसी CISF है, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये नई फोर्स बनाने का UPSSF का ऐलान किया, उसी तरह से PAC का निर्माण हुआ था अंग्रेजों के समय पर, खासतौर से ज़मींदारों की सुरक्षा के लिए, बिजनेसमैन की सुरक्षा के लिए, गवर्नमेंट की स्पेशल एजेंसियों की सुरक्षा के लिए PAC का निर्माण हुआ था। बाद में PAC दंगा विरोधी या दंगाओं में बड़े इफेक्टिव रूप से काम करने वाली एक एजेंसी के रूप में जानी गई, चाहे वो मुरादाबाद दंगे रहे हों और चाहे 2001 के उत्तर प्रदेश में कानपुर के दंगे रहे हों। इन सभी दंगों में उत्तर प्रदेश PAC का बड़ा विशेष योगदान रहा है और ऐसा कहा गया कि दंगाइयों के लिए अगर सबसे ज़्यादा दंगाई किसी से डरते हैं तो वो PAC से डरते हैं। लेकिन ये CAA के प्रोटेस्ट के दौरान PAC से क्यों नहीं डरे और ये CAA के दंगों में क्यों लोग बाहर निकल कर आए, इसका कारण बताते हैं कि जिस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी और अखिलेश यादव की सरकार बनी, उस समय उन्होंने उन दंगाइयों जो इन दंगाइयों के पीछे इन दंगों के पीछे जो फोर्सेस रहती हैं, ज़्यादातर उनकी भर्ती अपने वोट बैंक के चक्कर में कर दी। और अपने वोट बैंक के चक्कर में चूंकि उनकी भर्तियां कर दी, इसलिए इस बार PAC वो इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर पाई जो इफेक्टिव रोल वो हमेशा से प्ले करती रही है हिंदू मुसलमान दंगों में। मुख्यमंत्री जी को ये बात बड़े अच्छे से समझ में आई होगी, इसलिए उन्होंने UPSSF नाम की फोर्स का निर्माण किया है और आज ही उसका अनाउंसमेंट हुआ है। कहा गया है कि इनिशियली वो PAC का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो फोर्स अलग होगी और उसके पास स्पेशल पावर होगी। ये फोर्सेस CISF की तर्ज पर बनाई गई है। मैं CISF के बारे में आपको बता दूं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। आप अगर एयरपोर्ट पर जाते होंगे, रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे, या किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में, मिनिस्ट्रीज़ में, यहाँ कहीं भी जाते होंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है वो CISF के पास रहती है और CISF को स्पेशल पावर्स होती हैं। बाकी पुलिस को स्पेशल पावर्स नहीं होती हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान CRPC में व्यवस्था की गई है, सेक्शन 41 में, सेक्शन 42 में, कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कॉग्निजिबल ऑफेंस होना चाहिए। बाकी की जो अर्धसैनिक बल रहते हैं या जो सिक्योरिटी फोर्सेस रहती हैं, उनको अरेस्ट करने के राइट नहीं होते, उनको इन्वेस्टिगेट डायरेक्ट करने के राइट नहीं होते, उनको सीधा किसी बिल्डिंग में घुसने के राइट नहीं होते, जब तक कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पर बैठा हुआ, जिसको पावर उस प्रदेश ने दे रखी है, उसको वो पावर का इस्तेमाल ना कर ले। यानी कि PAC अगर कहीं पर भी एक्शन लेगी तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस डिस्ट्रिक्ट का डिसाइड करेगा कि PAC हैव टू टेक एन एक्शन और नॉट। और ऐसे ही CRPF भी अगर उसको चाहिए तो CRPF भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर काम करेगी। इसी प्रकार से जब RAF वगैरह फोर्सेस का इस्तेमाल होता है तो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ही ऑर्डर होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर ये फोर्सेस अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकती हैं, केवल पेट्रोलिंग कर सकती हैं। इसलिए हमने बहुत बार देखा भी होगा कि ये फोर्सेस लगी होती हैं, इन लगे होने के बावजूद दंगाई एक्शन लेते हैं और इन फोर्सेस को चूंकि ऑर्डर नहीं आया हुआ होता है, इसलिए ये फोर्सेस उस समय कम इफेक्टिव टाइप दिखाई देती हैं। लेकिन CISF ऐसा नहीं है।
CISF को बिना वारंट के अरेस्ट करने का राइट होता है, किसी भी स्थान को सर्च करने का राइट होता है, किसी भी व्यक्ति को सर्च करने का राइट होता है, और संदिग्ध अवस्थाओं में वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स है, CISF सिक्योरिटी फोर्स है। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी UPSSF का निर्माण किया है, और UPSSF की खास बात यह होगी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस की खास बात यह होगी कि इनको भी बिना वारंट के अरेस्ट करने का राइट होगा, किसी भी व्यक्ति को सर्च करने का राइट होगा, किसी भी स्थान को सर्च, संदिग्ध पाए जाने पर किसी भी स्थान को सर्च करने का राइट होगा। और ये खास तौर से गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट के ऑफिसेस और इंडस्ट्रियल हब्स, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, बैंक्स, या जहां कहीं भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रहती है, उन स्थानों पर इनकी तैनाती की जाएगी। ये परमानेंटली वहां पर रहेंगे, इनकी फोर्सेस बटालियन, मैंने जैसे पहले कहा कि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि वो PAC के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल UPSSF के लिए करेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता जाएगा। और मुझे लगता है कि SSF में जो जवान तैनात किए जाएंगे वो स्पेशल ट्रेनिंग किए हुए जवान होंगे, और स्पेशल ट्रेनिंग के जवान PAC से, पुलिस से, या और जो सिक्योरिटी फोर्सेस उत्तर प्रदेश में काम करती हैं वहाँ से जो स्पेशलिस्ट रहेंगे उनको निकालकर पहले उसमें पोस्टिंग करेंगे, और उसके बाद फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका सिस्टम अलग से बनाएंगे। ये एक अच्छा सराहनीय कदम है दंगों को खासतौर से कंट्रोल करने के लिए। जिस तरह से दंगाइयों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को उस समय निशाना बनाया, जिस प्रकार दंगाइयों ने उस समय सरकार को निशाना बनाया, जिस प्रकार दंगाइयों ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उस समय निशाना बनाया या पुलिस को निशाना बनाया, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इस प्रकार की फोर्सेज की उत्तर प्रदेश में बड़ी आवश्यकता थी, और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर निर्णय लेते हुए वो फोर्सेस का निर्माण कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये इफेक्टिव कदम है, और पूरे देश में इस प्रकार की स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस रहनी चाहिए। लेकिन सवाल वहाँ का वहीं पर है, जब PAC का निर्माण हुआ था वो भी कुछ इसी पर्पज से हुआ था, उसने एक सर्व भी बहुत लंबे समय तक, लगभग 80 से 90 वर्ष तक बड़े अच्छे से सर्व भी किया उत्तर प्रदेश को, और 80 वर्ष की क्रेडिबिलिटी अखिलेश सरकार आने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्होंने उन दंगाइयों के ही लोग, जो दंगाई बिरादरी से या दंगाई बैकअप के हो सकते हैं या मेंटेलिटी वैसी रखने वाले लोग हो सकते हैं, उनके ही लोगों की भर्तियां उसमें शुरू कर दी, ऐसा लोगों का इल्जाम लगाना इल्जाम है। और यही कारण रहा कि CA के प्रोटेस्ट के दौरान उस समय बहुत इफेक्टिव PAC नहीं रही, हालांकि दंगे तो कंट्रोल किए, पुलिस ने भी किए, PAC ने किए, CRPF ने किए, RAF ने किए, या और भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जिस प्रकार से PAC का जलवा हमेशा, मैं जानता हूँ, मैंने 2001 के कानपुर के दंगों को देखा है, और मैंने उससे पहले के भी जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन के समय पर या बाबरी ढांचा गिरने के समय पर जिस प्रकार के डिस्टर्बेंस को देखा था, उस समय PAC के रोल को मैंने बखूबी स्वयं देखा है, और PAC के रोल को देखते हुए इतनी आत्मा प्रसन्न होती थी कि PAC जिस प्रकार से काम करती है और कोई सिक्योरिटी फोर्स काम नहीं कर सकती। लेकिन PAC को जिस प्रकार से डाइल्यूट किया गया, क्या आवश्यक है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के बाद अगर कोई दूसरी सरकार आए और वो UPSSF को भी उसी तरह से डील न करे या उसी तरह डाइल्यूट ना करे। मैं विश टू गॉड, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अभी जब तक हिंदुस्तान से इस तरह का ये दंगे का जो दौर है वो समाप्त नहीं हो जाता, तब तक इस प्रकार की सरकारें बैठी रहें और फोर्सेस की भी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, ताकि इन फोर्सेस के माध्यम से जो दंगाइयों को कंट्रोल करने का काम करती हैं या जिनको इन्हीं उद्देश्य से बनाया गया है, वो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी चुस्त दुरुस्त हो उत्तर प्रदेश के हर एक बिल्डिंग की, हर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर की, हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की या गवर्नमेंट सेक्टर की, इसके लिए मैं साधुवाद कहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को, और दुआ करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार लंबे समय तक चले और वो दंगाइयों से हमारे प्रदेश को बचा सकें। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को, और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।